इंदौर जिले के राव में नगर परिषद सीएमओ राकेश चौहान और राव थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी अपनी टीम लेकर कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन के तहत कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कराने नगर की सड़कों पर निकले। किराना दुकानों को लेकर कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत थोक व खरीदी राशन की दुकानों अब सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार को दिन में सुबह 6 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी, वहीं बाकी दिन पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। मंगलवार को राव में जो किराना दुकान चालू थी, उन्हें राव नगर परिषद की टीम व पुलिस ने साथ सीएमओ राकेश चौहान ने सख्ती के साथ बंद करवाया। वहीं दुकानदारों को अनाउंसमेंट करवा कर नए आदेश की जानकारी भी दी गई। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रति सप्ताह सोमवार एवं गुरुवार को दुकान 6 से 5 तक खुली रहेगी और सभी दुकानों को हमने बंद कराई है सूचना देके। तो बाजार में सभी दुकानें बंद है और सब्जी वाले 12 बजे तक ही बेचेंगे और शनिवार रविवार पूरा बंद। इंदौर जिले के राव रंगवासा चौराहे पर मंगलवार को राव पुलिस ने दो पहिया वाहनों पर बाजार में बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई और पूछताछ भी की। वहीं जिन लोगों द्वारा सही कारण बताया गया उन्हें छूट भी दे दी गई। पुलिस ने बाजार में बेवजह घूमने वालों की गाड़ियों की हवा भी निकाली और उस कार्यवाही को करने के साथ उन्हें समझाइश भी दी कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उनकी एक तो जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी जाए, उन्हें एक अस्थायी जेल बनाई गई है वहाँ भेज दिया जाए, 151 की कार्रवाई करके अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। और जो मेडिकल इमरजेंसी है या जो कोई ज़रूरी काम है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है, बाकी बेवजह घूमने वाले लोगों को कार्रवाई पुलिस कर रही है। सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पहले तो जो आदेश था वो उसमें थोड़ा सा भ्रम हो गया है कि पहले मंगलवार और शुक्रवार था, अब सोमवार और गुरुवार हो गया है, इस वजह से भी लोग थोड़े भ्रमित है, आज मंगलवार है इसलिए बाहर निकले। तो उन्हीं को लाउड स्पीकर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो संशोधित आदेश है वो नया आदेश है, जो उसका पालन करा जाए।